गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, राइट। लेकिन सबसे पहले मैं इन टॉपिक को पढ़ाने से पहले कुछ जो बच्चों को प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके okay? सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ल्ड के 10 लार्जेस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अब सभी को बहुत प्रॉब्लम रहता है कि वर्ल्ड के 10 लार्जेस्ट कंट्रीज कौन से हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और उनको याद करने में भी काफी प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, राइट, जो इस प्रकार है। CIA, बेसिकली CIA क्या है, एक यूएसए का एजेंसी है, IB इंडिया का है, और जैसा आप सभी जानते हैं PNB पंजाब नेशनल बैंक है। मैं क्या मारी, रेड मारी। किसने रेड मारी पंजाब नेशनल बैंक में, CIA एंड IB ने। तो यहाँ पे सी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सी का मीनिंग है चाइना, आई का मीनिंग क्या है यहाँ पे इंडिया, राइट, ए का मीनिंग क्या है यहाँ पे अमेरिका। ओके, देन सेकंड सेकंड जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसमें जो फर्स्ट आई है उसका मीनिंग है इंडोनेशिया, राइट। सेकंड बी, तो यहां बी का मीनिंग क्या है, ब्राजील। PNB पंजाब नेशनल बैंक, कौन सा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पाकिस्तान, देन नाइजीरिया, देन बांग्लादेश। रेड मारी, क्या मारी, रेड मारी। आर 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 मींस रशिया, एंड मारी मेक्सिको। सो ये क्या है हमारे वर्ल्ड के टॉप 10 पॉपुलेशन वाइज कंट्रीज है। और अगर हम एशिया के देखें इसमें कितने देश आते हैं, तो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, देन बांग्लादेश एंड रशिया। तो कितने कंट्रीज आ रहे हैं एशिया के टॉप 10 पॉपुलस कंट्रीज में, 6। कितने, 6 कंट्रीज एशिया के हैं। ओके, चलो देखते हैं इंडिया में क्या बनता है। सो अगर हम इंडिया के 10 लार्जेस्ट स्टेट्स को देखें किसके अकॉर्डिंग, ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, तो कौन कौन से हैं बताएगा कोई? ओके चलो करते हैं। सो फर्स्ट जो आता है वो आता है राजस्थान, दूसरा आता है मध्य प्रदेश, तीसरा आता है महाराष्ट्र, चौथा आता है यूपी, पांचवा आता है जम्मू एंड कश्मीर, छठा आता है गुजरात, सातवां आता है कर्नाटक, आठवां आता है आंध्र प्रदेश, नौवां आता है उड़ीसा, और 10th कौन सा स्टेट आता है, छत्तीसगढ़। अब कुछ मेरे हैं स्टूडेंट्स जैसे अमित हो गया, आकाश हो गया, पूछेंगे सर बहुत मुश्किल आ रही है। भाई क्यों मुश्किल आ रही है, सर याद करने में मुश्किल आ रही है। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी मैंने कुछ फॉर्मूला बनाया है आगे, जो इस प्रकार है। रामू जा गुजरात, रामू जा गुजरात, करण उड़ीसा चला गया। क्या है, रामू जा गुजरात, रामू जा गुजरात, करण उड़ीसा चला गया। सो रामू राजस्थान, रामू राजस्थान। एम मध्य प्रदेश, देन सेकंड एम महाराष्ट्र, देन यू यूपी, देन नेक्स्ट इज जा जम्मू एंड कश्मीर। कहां गया, गुजरात गया। हमने क्या कहा, रामू जा गुजरात, रामू
हूं तुम गुजरात जाओ, तो सिक्स आ गया गुजरात। देन करण कहाँ गया, करण के आर कर्नाटक, के आर कर्नाटक। देन ए एन आंध्र प्रदेश, कहाँ उड़ीसा, करण कहाँ चला गया, उड़ीसा, तो करण उड़ीसा चला गया, नाइन्थ इज उड़ीसा। एंड लास्ट वन इज छत्तीसगढ़। ओके, देन नेक्स्ट इज फाइव लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ पॉपुलेशन, कौन कौन से हैं, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। इनको भी हम इजीली याद रख सकते हैं ऐसे करके, उमा बीमार है माँ, क्या बोला, उमा बीमार है माँ, उमा यू एम ए, उमा यू उत्तर प्रदेश, एम ए महाराष्ट्र। देन बी, अगर हम दोनों बी को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, बिहार, क्या बन जाएगा, बिहार। और अगर हम बी ई को रखें तो क्या बन जाएगा, बंगाल, क्या बन जाएगा हमारे पास, बंगाल, क्या बन जाएगा, बंगाल, राइट। लास्ट में क्या बोला, उमा बीमार है माँ, माँ, एम ए फॉर मध्य प्रदेश। सो व्हाट इज सेंसस, ये स्टूडेंट्स, सेंसस क्या एक सिस्टेमेटिक मेथड है, क्या है सेंसस, एक सिस्टेमेटिक मेथड जिसके हेल्प से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, किसके बारे में, हर एक आइटम के बारे में, हर एक आइटम के बारे में, ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द यूनिवर्स। यहां पे बोलने का मतलब है, यूनिवर्स का मतलब है एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि यहां पे मैंने आपको दिखाया है, राइट। जब हम इस एरिया के हर एक आइटम के बारे में क्या ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं सिस्टमैटिक वे से, ऐसे नहीं कि हैफेजर्डली कहीं से भी हमने इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया, हम ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ताकि हर इंडिविजुअल आइटम के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, तो उसको क्या बोला जाता है, सेंसस। और दूसरा डेफिनेशन देखें तो बेसिकली क्या है, सेंसस एक ऑफिशियल काउंट है, क्या है, ऑफिशियल काउंट है, मीन्स गवर्नमेंट करवाता है सेंसस, किसकी ऑफिशियल काउंट करवाता है, वहां के मेंबर्स का, कहाँ के मेंबर्स का, अपने कंट्री के, ये कोई भी एरिया हो सकता है, और एक पर्टिकुलर इंटरवल्स पे करवाता है, जैसे हमारे इंडिया में हर 10 साल के बाद क्या होता है, सेंसस होता है, राइट। सो इंडिया में जो फर्स्ट सेंसस करवाया था वो कंडक्ट करवाया था लॉर्ड मेयो ने इन 1872, बट मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जो 1872 का सेंसस था ये कंप्लीट सेंसस नहीं था, क्योंकि इसमें पूरे ऑल इंडिया के लोगों को काउंट नहीं किया गया था, लेकिन 1881 में अगेन सेंसस हुआ इंडिया का, और उसमें पूरे देश के लोगों को काउंट किया गया था, तो वही इंडिया का फर्स्ट कंप्लीट सेंसस है, राइट। और अगर हम सेंसस की बात करते हैं आगे, तो वर्ल्ड में सबसे पहला सेंसस किसने करवाया था, स्वीडन ने, कौन से ईयर में, 1749। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 2011 में जो सेंसस हुआ वो इंडिया का 15th सेंसस था, कौन सा, 15th सेंसस था। और अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं तो वो कौन सा था, 7th। ओके, सो अभी जो 1 साल के बाद होने वाला है सेंसस, वो इंडिया का कौन सा सेंसस होगा, वो होगा 16th सेंसस। और अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं तो वो होगा कौन सा, कौन सा होगा भाई, 8th सेंसस।
So, dear students, now the next topic is distribution and density of population. आप यहाँ पे देख रहे होंगे दो मैप्स दिए गए हैं, एक डॉट मैप दिया गया है और दूसरा कोरोप्लेक्स मैप दिया गया है, राइट? और यहाँ पे अगर आप इसके इंडेक्स पे यहाँ पे ध्यान देंगे, ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 dot is equal to 2 lakh persons. और अगर आप कोरोप्लेक्स मैप के इंडेक्स पे ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिखाए गए हैं कि जो ये ब्लैक कलर है ये कितने लोगों को दिखा रहा है, ये जो कलर है ये कितने से कितने तक के लोगों को दिखा रहा है, ओके? सो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो किसे शो किया जाता है? डॉट मैप से. किसे? डॉट मैप से. और जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है किसे दिखाया जाता है? कोरोप्लेक्स मैप से. ओके, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पॉपुलेशन वाला मैप है वो क्या शो करता है? एब्सोल्यूट नंबर्स को. किसको शो करता है? एब्सोल्यूट नंबर को. और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला मैप किसको शो करेगा? रेशियोस को. किसको शो करेगा? रेशियो को. ओके, राइट. सो देखते हैं व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? सो डिस्ट्रीब्यूशन को आप एक वर्ड से याद रख सकते हैं, हाउ द पॉपुलेशन इज स्पेस्ड. हाउ द पॉपुलेशन इज स्पेस्ड एट हियर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. हमारा अर्थ सरफेस जो है वो अनइवन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो भी क्या है? अनइवन है, राइट? सो हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे पॉपुलेशन की स्पेसिंग कैसी है? दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस. जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो किसको शो करता है? एब्सोल्यूट नंबर्स. जैसे कि हमने किया था पिछले में, 1 dot is equal to 2 lakh population. क्या किया था? 1 dot is equal to 2 lakh population. सो हम डॉट मैप से किसी भी एरिया की काउंटिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे यूपी का ये सेंट्रल पार्ट देख रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे क्या है? जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है? बहुत ज्यादा है, ओके? लेकिन अगर आप कोरोप्लेक्स मैप में देखेंगे तो कोरोप्लेक्स मैप में देख रहे होंगे कि हर प्लेस पे एक जैसा कलर किया गया है, राइट? जो शो करता है कि इसके हर एक प्लेस पे सेम पॉपुलेशन लिव कर रहा है, राइट? बट ऐसा पॉसिबल है नहीं. जो एग्जैक्टली शो किसके द्वारा किया जा रहा है? किसके द्वारा शो किया जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मैप के द्वारा, ओके? और आप सभी जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को कौन से मैप से शो किया जाता है? डॉट मैप से, ओके? देन सेकंड इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो आप सभी जानते हैं, हमने पिछले कोर्स में भी इसको कवर किया था, कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर. नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर्स, ओके, उसको क्या कहा जाता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल, हमारे पास पॉपुलेशन कितना है? 100 है और वहां का एरिया कितना है? 10 square kilometers. तो डेंसिटी कितना निकल जाएगा? 10 persons per square kilometers, ओके? और डेंसिटी किसको शो करता है? रेशियो. किसको शो करता है? रेशियो को. किसके रेशियो को? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई टोटल जोग्राफिकल. ओके, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या डेंसिटी को मैप पे किससे शो किया जाता है? कोरोप्लेक्स मैथड्स, राइट? नाउ वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अनइवन. दैट इज अनइवन. इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो हम आगे आज डिस्कशन करने जा रहे हैं.
आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ये पूरा मैप है, ये वाला पोर्शन काफी ब्लैक 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 हो चुका है, डॉटेड, राइट। अगर हम इस वाले पोर्शन को देख रहे हैं, ओके, और अगर हम इस वाले पोर्शन को देख रहे हैं, राइट, मेजर पोर्शन यहाँ पे हमको ये वाला दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बिल्कुल टोटली हमको मैप ब्लैक दिखाई दे रहा है। इट मींस कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो ज्यादातर कौन से पोर्शन में कंसंट्रेटेड है, इस वाले पोर्शन में, नॉर्थ वाले पोर्शन में, राइट। सो इंडिया का लगभग 76% पॉपुलेशन, कितना, 76% पॉपुलेशन 10 स्टेट्स में रहता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। उमा बीमार है गुटखा खा के, क्या उमा बीमार है गुटखा का खा के, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, राइट। देन बी बी डबल ई से हमारा आ गया बिहार, बी ई से आ गया बंगाल, देन मध्य प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, आर फॉर राजस्थान, देन जी यू फॉर गुजरात, टी ए फॉर तमिलनाडु एंड के ए फॉर कर्नाटक। सो ये 10 स्टेट मिलकर इंडिया का 76% पॉपुलेशन आपस में शेयर करते हैं। और अगर हम दूसरी साइड देखें तो हमारे पास इतना काफी बड़ा स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे हमारे पास उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। बिसाइड्स इनके साइज काफी बड़े होते हुए भी, देखो इनके साइज क्या है, काफी बड़े बड़े हैं, इनके साइज काफी बड़े बड़े होने के पश्चात भी, या अगर हम यहाँ पे ये देखें एक स्टेट, ठीक है, 10th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज छत्तीसगढ़, इसको देखते हैं तो इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी इन स्टेट्स में पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर में नियर अबाउट 1% पॉपुलेशन, ओके, अरुणाचल प्रदेश में 0.11% पॉपुलेशन, एंड उत्तराखंड में 0.83% पॉपुलेशन रहता है। और मैं पहले जैसे बता चुका हूं कि इन स्टेट्स का जो एरिया है दैट इज क्वाइट लार्ज। चलो अब देखते हैं डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द मैप ऑफ इंडिया, राइट। सबसे जो पहला पॉकेट देखेंगे हम वो आता है लो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। सो लो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन की जैसे ही बात आती है तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहला आता है हमारे पास हिमालयन स्टेट्स, और हिमालयन स्टेट्स में भी हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास वो आता है वेस्टर्न हिमालयन स्टेट्स, और सेकेंड पार्ट आता है हमारे पास ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स। यहाँ पे देखो तो आपको बहुत कम कम डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे जो शो कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत कम है। और ये कम होने के पीछे का रीजन क्या है, दैट इज हार्श क्लाइमेट, दैट इज हार्श क्लाइमेट। अगर हम यहाँ पे देखें तो वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्न हरियाणा, और यहाँ पे आ गया हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। क्यों, ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे जो फ्रेश वाटर का अवेलेबिलिटी है, जो पोटेबल वाटर है उसका जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, बहुत कम है। और अगर हम इस छोटे से पोर्शन की बात करते हैं, यहाँ पे देखो मैप में, यहाँ पे राइट, ये क्या है, कच्छ रीजन है, किसका, गुजरात का, राइट, वो क्या है, स्वाम्पी एरिया है, दलदल एरिया है, इसके कारण भी वहां पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत कम कंसंट्रेटेड है। और अगर आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे तो ये जितना भी एरिया है, ये वाला पोर्शन, राइट, ये किसका रेन शेडो एरिया है, ये यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्न घाट्स है, क्या है, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में तो रेन हो जाता है और ईस्ट में वो विंड्स क्या करते हैं, सब्सिडेंस करते हैं, जिसके कारण ईस्टर्न पोर्शन में रेन नहीं होता है, राइट। इस पोर्शन में रेन नहीं होगा, अगर रेन नहीं होगा, राइट, तो पॉपुलेशन यहाँ पे बसना पसंद नहीं
करेगी, क्योंकि हर एक्टिविटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेन इफेक्ट करता है। ओके, देन यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे ये बॉर्डर पे किसका बॉर्डर है, इस साइड क्या है हमारे पास केरला है और इस साइड क्या है तमिलनाडु, और यहां पे बीच में अगर हम बॉर्डर पे देखें तो यहां पे क्या है हमारे पास नीलगिरी हिल्स, क्या है नीलगिरी हिल्स। यहां पे भी क्या होता है, इस साइड तो बारिश हो जाता है लेकिन जैसे ही हम नीलगिरी हिल्स के ईस्ट साइड जाते हैं तो वहां पे रेन नहीं होता है और क्या बनता है रेन शेडो एरिया, क्या बनता है रेन शेडो एरिया, जिसके कारण इस वाले पोर्शन में भी पॉपुलेशन क्या है कम है। ओके, और अगर हम यहां पे देखें ये यूपी वाला पोर्शन, क्या देखें यूपी वाला पोर्शन जो नेपाल के साथ लगता है तो वो क्या आता है तराई एरिया, क्या आता है तराई रीजन, जो क्या है वेट, जहां पे बहुत सारे वेट कंडीशंस मिलते हैं और वो जो एरिया है वो क्या हो जाता है जिसके कारण डिजीज प्रोन जोन बन जाता है, इसलिए यहाँ पे भी क्या है पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें इस वाले पोर्शन की तो यहाँ पे दंडकारण्य है, राइट। अगर हम यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है बैड लैंड टोपोग्राफी है, जिसके कारण इस वाले पोर्शन में भी अगर हम यहाँ वाले इस पोर्शन की बात करें तो ये पूरा का पूरा पोर्शन किससे कवर्ड है, हिल्स से कवर्ड है, जिसके कारण इस वाले पोर्शन में पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन क्या है बहुत कम है, राइट। नाउ वी हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सो सबसे पहला जो रीजन आता है वो आता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, देन हियर वी हैव वेस्ट बंगाल, इन एरियाज में पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन क्या है बहुत ज्यादा है, क्या है बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसे क्या बोला जाता है ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, और ये जो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है या इंडस प्लेन है या जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है असम का, जो ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है ये पोर्शन किससे बना हुआ है अलुवियल सॉइल, कौन से सॉइल से बना हुआ है एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, जिसके कारण इस एरिया में पॉपुलेशन क्या है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ओके, और अगर हम सेकेंड रीजन की बात करते हैं तो सेकेंड रीजन आता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास महानदी का डेल्टा आ गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास गोदावरी का डेल्टा, यहाँ पे कृष्णा नदी का डेल्टा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कावेरी रिवर का डेल्टा, और यहाँ पे रिवर्स क्या करती हैं अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स कैरी करके लाती हैं अपर कोर्स से उनको यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं, जिसके कारण यहाँ की जो सॉइल है वो क्या है बहुत फर्टाइल है, राइट। और यहाँ पे बहुत सारे टाइप के एग्रीकल्चर किए जाते हैं, जिसके कारण इन वाले पोर्शंस में भी क्या है पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डीएमसी के, इसका मतलब है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ये जो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं इनमें क्या हुआ है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है अदर फैसिलिटीज के साथ साथ में, जिसके कारण ये पोर्शन भी क्या है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इन एरियाज में मिलती है, जैसे ये हमारे पास दिखाई दे रहा है दिल्ली है, ये मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे कोलकाता है, राइट। और अदर्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास अहमदाबाद दिखाई दे रहा है, भोपाल दिखाई दे रहा है, राइट, यहाँ पे हमारे पास कोची, तिरुवनंतपुरम दिखाई दे रहा है, बैंगलोर, हैदराबाद, ये पोर्शन क्या है बहुत पॉपुलेशन से कवर्ड है ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल अर्बेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एटसेट्रा। ओके, और अगर हम हमारे 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करते हैं तो इन 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन में भी पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन क्या है बहुत ज्यादा है। हमारे इंडिया के
कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें पहले पॉपुलेशन जो कंसंट्रेशन था वो बहुत कम था, लेकिन टाइम के साथ साथ जो उनमें पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पोर्शन यहाँ पे दिख रहा होगा राजस्थान में, एक पोर्शन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा आपको झारखंड में, और एक यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन में दिखाई दे रहा होगा पेनिनसुलर इंडिया के, राइट। यहाँ पे पॉपुलेशन इन तीन एरियाज में जो पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हुआ है। बताएगा कोई कैसे हुआ होगा? ओके, सो अगर हम इस पोर्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनाया गया है? इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल के बनने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण यहाँ पे पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे इस छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, माइनिंग एक्टिविटीज। और माइनिंग एक्टिविटीज किसको लीड कर रही है, इंडस्ट्रीज को, जिसके कारण यहाँ पे हमको चारों ओर के लोग इस पोर्शन की ओर आ रहे हैं। कहाँ की ओर? छोटा नागपुर प्लेट्यू की ओर, जिसके कारण पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम इस पेनिनसुलर पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज क्यों हो रहा है? यहाँ पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिस्टम है वो काफी डेवलपमेंट देखा गया है, जिसके कारण इस वाले पोर्शन में भी पॉपुलेशन कंसंट्रेशन में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और अगर हम जनरल ऑब्जर्वेशन देखते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, राइट, तो नियर अबाउट 3/4 कंट्री का जो पॉपुलेशन है आज भी कहाँ पे रह रहा है, विलेजेस। कहाँ पे रह रहा है, विलेजेस में रह रहा है। और अगर हम इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स की बात करते हैं, राइट, तो अगर हम जनरली बोलें तो वहां पे पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। ओके, और अगर हम चाइना नेपाल के कंपैरेटिवली पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर की बात करते हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन क्या है, थोड़ा कम है। ओके, और अगर हम थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो हमारे जितने भी एंशियंट रूलर्स रहे हैं, उन्होंने जिन जिन एरियाज में पॉपुलेशन को बसाना नेग्लेक्ट किया, उन उन एरियाज में भी क्या है, आज भी पॉपुलेशन क्या है, कम है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।